नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त अरिहंत एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई एम स्टार्टिंग माय सीए फाउंडेशन क्लासेस। जी हां दोस्तों, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, फ्री फाउंडेशन क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज अपने फेवरेट फाउंडेशन के सब्जेक्ट से, जो कि है इकोनॉमिक्स। दोस्तों जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, ऑफ कोर्स फाउंडेशन वाले मेरे इंटर के क्लासेस तो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं। कॉन्सेप्चुअली पढ़ाने की फोकस मेरी रहती है हमेशा, ताकि आपको रटना नहीं पड़े किसी भी चीज को, लेकिन आप उसको कॉन्सेप्चुअली समझ के जिंदगी भर याद रखो एंड एप्लीकेशन उसका क्या करना है वैसा कर सको। एंड सेम चीज मैं करने वाला हूं अपने सीए फाउंडेशन के क्लासेस के अंदर भी। तो दोस्तों सबसे पहली बात, क्लासेस फ्री है। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मैं अपनी खुद की नोट्स बना रहा हूं फॉर एवरी चैप्टर, फॉर एवरी यूनिट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दोस्तों इकोनॉमिक्स जो कि सब्जेक्ट है वो आता है आपका 60 मार्क्स के लिए, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नाउ द थिंग अबाउट इकोनॉमिक्स इज, आप लोग जो भी सीए कर रहे हो 12th क्लास के बाद, यू ऑलरेडी हैव सम काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का आइडिया है, आपने बेसिक्स ऑलरेडी पढ़ के रखी है, एंड मोर और लेस जो सीए की सिलेबस है फाउंडेशन की, दैट ऑल्सो टॉक्स मच अबाउट वॉट यू हैव प्रोबेबली स्टडीड इन योर 11th एंड 12th। बट द की ओवर हियर इज टू गेट इन टू डिटेल, फर्स्टली टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, सेकेंडली टू बी एबल टू इजिली आंसर द एमसीक्यूज जो पेपर में आते हैं। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब सीए इंटर के अंदर भी एक इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस करके सब्जेक्ट है, विच इज द नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट स्टेप ऑफ वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर। तो दोस्तों ये जो मेरी मटीरियल है वो ऑफकोर्स मैं अपने लिए तो नहीं बना रहा हूँ, वो इससे मैं पढ़ाऊंगा आपको एंड आपको शेयर भी करूंगा। आप कैसे इस मटीरियल को ले सकते हो वो मैं वीडियो के ड्यूरिंग बताऊंगा, तो प्लीज सुनिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप नहीं किए अभी तक, शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो मैं और ज्यादा वीडियोस बनाते रहूंगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर से, चैप्टर वन के अंदर, यूनिट वन इंट्रोडक्शन। चैप्टर वन इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड यूनिट वन इज इंट्रोडक्शन। दोस्तों व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट, एज अ स्टूडेंट आप 11th 12th में पढ़े हो, अगर 11th 12th में नहीं भी पढ़े हो तो जनरल नॉलेज, आप अगर टीवी देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जनरल अपने दोस्तों से डिस्कस करते हो, इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिस्कस होती है ऑन अ डे टू डे बेसिस इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड। कैसे इकोनॉमी में अप डाउन आते हैं, क्या नए चीजें हो रही है, कैसे जीडीपी बढ़ रहा है, कैसे एम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है, क्या क्राइसिस आ रहा है, कहां डिप्रेशन हो रहा है, कहां फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एवरीथिंग दैट वी डू दैट वी हियर इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, वेदर इट इज ऑफ योर स्टेट, ऑफ द कंट्री और ऑफ द वर्ल्ड। What is economics about? The term economics owes its origin to the Greek word oikonomia, which means household management. तो economics की शुरुआत हुई है household management से। जो आप रोज अपना घर चलाते हो, that is part of economics. जब आप समझने लगोगे, you will realize how everything that you do in your house on a daily basis is indirectly or directly impacting our economy. Whether you are buying a pin or an aeroplane, it is affecting the economy. Till 19th century, economics was known as political economy. First modern work of economics, book named An Inquiry into Nature and Causes of Wealth of Nations, it was written in 1776, usually abbreviated as The Wealth of Nations by Adam Smith. तो ठीक है, इसमें कुछ explanation के है नहीं, ये तो facts है खाली जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आता है बहुत ही interesting, बहुत ही fundamental concept of economics. Two fundamental facts that economics revolves around. Human beings have unlimited wants, and the means to satisfy these unlimited wants are relatively scarce from the subject matter of economics. अच्छा सा example लेके बताएंगे दोस्तों। आपको pocket money मिलती है, suppose 1000 रुपए महीने। अब आपको 1000 रुपए में सब कुछ करना है, आपको पार्टी करनी है, आपको अपने दोस्त के साथ घूमने जाना है, आपको मूवीज देखना है, आपको कुछ खरीदना भी है एंड आपको सेविंग्स भी करनी है। नाउ योर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है, आपको सब कुछ करना है लेकिन आपके पास रिसोर्सेस कितने हैं, 1000 रुपए। अब आप क्या करोगे, नाउ यू विल हैव टू डिसाइड कि जो आपको 5 या 10 चीजें करनी है उसमें से आप क्या करोगे आउट ऑफ दोस 1000 रुपीज। व्हेन आई से वांट्स आर अनलिमिटेड, इट इज एप्लीकेबल टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर ऑफकोर्स जो संत महात्मा है, जो पूरी दुनिया को छोड़ चुके हैं, रिनाउंस कर चुके हैं, उनको छोड़ के
सबकी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। कैसे? मुकेश अंबानी को देख लो, मेरे हिसाब से मुकेश अंबानी के पास सब कुछ है, लेकिन उनको और भी ग्रो करना है। ही वॉन्ट्स मोर, ही वॉन्ट्स टू बी बिगर। मेरे हिसाब से बिल गेट्स के पास सब कुछ है, मार्क जकरबर्ग के पास सब कुछ है, बट उनको और भी बड़ा बनना है। तो जिनके पास बहुत है उनकी भी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, एंड जिनके पास थोड़ा है उनकी भी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। मुझे भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घूमने को चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छा घर चाहिए, सब चाहिए मुझे, आपको भी चाहिए। बट नॉट एवरीबडी हैज इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, नॉट एवरीबडी हैज इक्वल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। ये हो गया इंडिविजुअल बेसिस पे। नाउ इफ आई कम टू एन इकोनॉमी, अ कंट्री, इंडिया को, इंडिया वॉन्ट्स टू डेवलप, करेक्ट? इंडिया को फास्ट ट्रेन भी चाहिए, गुड प्लेन कनेक्टिविटी भी चाहिए, अच्छे रोडवेज भी चाहिए, अच्छे वाटरवेज भी चाहिए, सबको 24 घंटे पानी आना चाहिए घर में, बिजली आनी चाहिए। दीज आर ऑल आर वॉन्ट्स, आवर रिसोर्सेज शुड बी फुलफिल। गोल्ड भी निकलना चाहिए, डायमंड भी निकलना चाहिए, कोल भी निकलना चाहिए, सब होना है। बट इज इट पॉसिबल? नो। हम चाहते बहुत है अपने इकोनॉमी के लिए, बट इज एवरीथिंग प्रैक्टिकल? इट इज नॉट प्रैक्टिकल। क्यों? क्योंकि अपने रिसोर्सेज लिमिटेड है। मेरी पॉपुलेशन कितनी भी बढ़ जाए, लैंड मेरी उतनी की उतनी ही रहेगी। इंडिया विल नॉट बिकम बिगर, इट विल ओनली रिमेन द सेम इन टर्म्स ऑफ इट्स बाउंड्रीज। दैट इज वाई मीन्स आर लिमिटेड। जो आपके अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी चीज कही है, देयर इज इनफ फॉर अ मैन्स नीड बट नॉट फॉर अ मैन्स ग्रीड। तो जितने आपके अनलिमिटेड वॉन्ट्स, उतनी कठिनाई होगी उसको फुलफिल करने में। एंड वहीं उसी प्रॉब्लम के वजह से, उसी ग्रीड के वजह से इकोनॉमिक्स इवॉल्व हुआ है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस बाय विच द रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई द कंपीटिंग अनलिमिटेड वॉन्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ सोसाइटी। कंपीटिंग अनलिमिटेड वॉन्ट्स, आपकी जो 5-6 वॉन्ट्स है या जो भी अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, दे आर ऑल कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। एक वॉन्ट बोल रहा है आई एम इंपॉर्टेंट, एक वॉन्ट बोल रहा है आई एम इंपॉर्टेंट, तीसरा वॉन्ट बोल रहा है आई एम इंपॉर्टेंट। दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर योर स्केर्स रिसोर्सेज। नाउ इकोनॉमिक्स इज एन एड, इट विल हेल्प यू एज एन इंडिविजुअल, इट विल हेल्प द जनरल इकोनॉमी एज अ कंट्री टू मेक द राइट डिसीजन कि आपके जो स्केर्स रिसोर्सेज है उसको आप कहाँ अप्लाई करते हो, इन ऑर्डर टू एंश्योर आप अपना जो स्केर्स रिसोर्सेज है वो बराबर यूटिलाइज कर रहे हो। इकोनॉमिक्स कंसर्न्स इटसेल्फ नॉट जस्ट विद द क्रूशियल कंसर्न ऑफ हाउ अ नेशन एलोकेट्स इट्स स्केर्स रिसोर्सेज टू वेरियस यूजर्स, इट ऑल्सो डील्स विद द प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज इज इंक्रीज and with the factors which in the past have led to sharp fluctuation in the rate of utilization of these resources. बहुत सिंपल है दोस्तों, इकोनॉमिक्स सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि हाँ ये 10 कंप्यूटिंग आपके रिक्वायरमेंट से, आपके वॉन्ट्स है, इसमें से इसको 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 एलोकेट कर दो। इट विल ऑल्सो टेल जो आप स्केर्स रिसोर्स एलोकेट कर रहे हो हाउ टू यूज इट टू द फुल कैपेसिटी। अभी एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, आप अपने स्कूल बुक्स में पढ़े होंगे कि जो पहले कंप्यूटर्स होते थे वो रूम जितने बड़े होते थे, ठीक है, उसमें ज्यादा प्लास्टिक लगता था, ज्यादा मेटल लगता था, ज्यादा ग्लास लगता था, ज्यादा हार्डवेयर, ज्यादा सॉफ्टवेयर, सब कुछ ज्यादा लगता था, स्पेस ज्यादा लगता था। अब अगर मैं उतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स बनाते चला जाता तो शायद मेरे पास अभी जितने कंप्यूटर्स हैं इस दुनिया में, शायद मेरे पास पूरी की पूरी जगह जो है कंप्यूटर से भर जाती। बट माई रिसोर्सेज वर स्केर्स, आई डिडंट हैव स्पेस कि हर जगह उतना बड़ा कंप्यूटर बनाते चलूं मैं। तो कंप्यूटर क्या हुआ, यू आर फोर्स टू इनोवेट। इनोवेट करते 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 कंप्यूटर का साइज आज आपके मोबाइल जितना हो गया है। प्रैक्टिकली ऑन योर मोबाइल यू कैन डू एवरीथिंग दैट योर कंप्यूटर कैन डू। वाई? क्योंकि आपके रिसोर्सेज स्केर्स थे, आपके पास पैसा लिमिटेड था, आपके पास जो स्पेस है वो लिमिटेड था, यू आर फोर्स टू इनोवेट। सिमिलरली कंट्रीज लाइक जापान, लैंड सिर्फ इतनी सी है, वो इतनी सी मतलब मैप में इतनी सी दिखती है, आप अगर देखोगे बहुत कम लैंड स्पेस है उनके पास। अब उसमें पॉपुलेशन अच्छी खासी है, नाउ दे हैव टू ग्रो एग्रीकल्चर, ठीक है। अभी इंडिया में तो इतना बड़ा लैंड है, दैट इज वाई सो मच लैंड कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर, बट जापान में लैंड है नहीं। सो वॉट दे डू, दे ट्राई टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्मॉल पीस ऑफ लैंड दैट दे हैव। हाउ डू दे डू इट? बाय इन्वेंटिंग सम न्यू टाइप ऑफ सीड्स, अच्छे पेस्टिसाइड्स यूज करके, इलेक्ट्रॉनिक मेथड यूज करके, कटिंग के, हार्वेस्टिंग के, सीड सोइंग के, आर्टिफिशियल रेन करके, दे आर ट्राइंग टू इनोवेट एंड जो अपना रिसोर्स है उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना उनका टारगेट है। दैट इज वॉट इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो गोइंग टू डील विथ। कैसे? वो हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट में वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। The study of economics helps us to develop an analytical approach that helps us in understanding and analyzing a wide range of economic issues, provide us with a number of models
and frameworks that can be implemented or that can be applied in different situations. The tools of economics assist in choosing the best course of action from among the different alternative courses of action available to decision maker. पहले आपको प्रॉब्लम ही नहीं बता रहा, इकोनॉमिक्स ऑल्सो बताएगा कि एनालाइज कैसे करना है उस प्रॉब्लम को. अपने को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, फ्रेमवर्क्स, थियरीज, एक्सपीरियंसेस देगा जो आप अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर. एंड आपको बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन भी देगा, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स है उसमें से आपके लिए बेस्ट क्या है वो भी इकोनॉमिक्स बताएगी. दोस्तों इसके बाद ये जो फर्स्ट टॉपिक था अपना इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, यहां पर हम समझे कि इकोनॉमिक्स जो है it cannot tackle all the problems for you. It is not God. Okay? It will not tackle all the problems. It is not going to give you the solution. कि हाँ भाई आपका ये problem है, चलो ये solution लगाओ, आपका problem खत्म है. आपको ये चाहिए था, हाँ आप ऐसे पैसे खरीदो, पैसे आपको आएंगे, आप इसको खरीद लो, आपका problem खत्म है. It is not going to give you that. It cannot ensure that all your problems will be appropriately tackled. But आपको एक tool दे देगा, उसको manage करने का, best possible way में tackle करने का. That is what is economics in a very nutshell, in a very concise manner. दोस्तों अब आते हैं, quickly मैं 2 मिनट spend करूंगा कि आप ये material कैसे ले सकते हो. Firstly, this material is made by me, inspired by the Institute of Chartered Accountants of India material. उसमें से एक एक line पढ़ के मैंने जो भी important है इसमें incorporate किया है. काफी जगह आप देख सकते हो मैंने bold भी किया है जो जो important points है, ताकि जो आप रिवाइज कर रहे हो जब भी या याद कर रहे हो, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. सेकेंडली मेरा अटेम्प्ट यही रहेगा कि जो भी मटेरियल मैं बना रहा हूं दैट इज वेरी कॉन्साइज, बट इट कवर्स ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. इसलिए अगर आप ये वाला चैप्टर लेते हो एग्जाम्पल, ये सिर्फ 5 पेजेस में मैंने खत्म कर दिया है, वेर एज इंस्टीट्यूट की मटीरियल में 10 पेजेस का है. हाउएवर आई हैव नॉट लेफ्ट आउट एनीथिंग इंपॉर्टेंट. दिस विथ माई एक्सप्लेनेशन इज मोर देन इनफ टू इंश्योर आप अच्छे से पढ़ सको, अच्छे से रिवाइज कर सको, इवन इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी. नाउ इफ यू वॉन्ट दिस मटीरियल, हर चैप्टर का मैंने एक छोटा सा फीस लगा है, ताकि आई कैन यूज दैट मनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माई और फ्री क्लासेस आपको लेके आ सकूं, एंड जो अपनी इक्विपमेंट्स है, कैमरा है, रिकॉर्डिंग है, वो इम्प्रूव कर सकूं. सो ईच चैप्टर विल कॉस्ट ओनली 50 रुपीज. जी हाँ दोस्तों, 50 रुपीज फॉर ईच चैप्टर. यानी कि इकोनॉमिक्स में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, आपको 250 रुपीज लगेंगी. दैट्स इट, एंड यू विल गेट दिस मटेरियल विच इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर रिविजन. आप अभी भी देख सकते हो कितना हेल्पफुल रहने वाला है. आपको क्या करना होगा दोस्तों, हर यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, freetutor.ca@gmail.com. अगर आपको चाहिए ये मटीरियल, you can take either for all the chapters or you can take for specific chapters. Say you want for 1st, 3rd, and 5th chapter only, that is also okay. If you want for all chapters, I will give you for all chapters as well. 50 rupees each chapter. Aap mereko wahan par mail karoge ki yes sir, I want the material for this chapter, whichever chapter, and I will send you the payment details. Kaise aapko payment karne hain, GPay ya fir Paytm se, and you can pay me and I will immediately send this document to you. So dosto wo ho gaya अपना मटेरियल के ऊपर. मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स. द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन साउंड डिसीजंस. अगर आप डिसीजन सही नहीं लेते हो, बिजनेस ही नहीं जिंदगी में भी अगर आप गलत डिसीजंस लेते हो तो सर्वाइवल मुश्किल है. नो रॉकेट साइंस. डिसीजन मेकिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशियंट मीन्स ऑफ अटेनिंग अ डिजायर एंड from two or more alternative courses of action. Decision making actually, अगर हम देखें तो हमको सबको पता है कि हमारे पास बहुत सारे alternative है, अब हमें ये alternative select करना है. अभी sports खेलना है मेरे को, I can play cricket, I can play football, I can play badminton, I can play boxing, hockey, हजारों sports है खेलने को, I cannot play all of them. अभी मुझे decide करना है कौन सा decision लूँ मैं, क्रिकेट लूं, अरे क्रिकेट में मेरा फ्यूचर क्या रहेगा, ऑलरेडी इतनी कंपटीशन है, आई माइट नॉट बी एबल टू सक्सीड. फुटबॉल लूं, अरे फुटबॉल तो इंडिया में चलता नहीं है, सो इट माइट नॉट बी अ वेरी कन्वीनियंट गेम फॉर मी. बैडमिंटन लूं, हाँ ले सकता हूं क्योंकि अभी प्लेयर्स भी कम है, प्लस चांस भी अच्छा है, प्लस इंडिया में अच्छे इंस्टीट्यूट भी है, लेट मी गो फॉर बैडमिंटन. यू हैव मेड अ डिसीजन. सिमिलरली अ बिजनेस हैज टू मेक थाउजेंड्स ऑफ डिसीजंस. अगर समझो माइक्रोसॉफ्ट को इंडिया में दुकान खोलनी है, अपनी इंडिया में सेटअप करना है ऑफिस, कहां करूं मैं, साउथ में करूं या नॉर्थ में करूं. अगर नॉर्थ में करूंगा तो ये बेनिफिट है, साउथ में करूंगा तो ये बेनिफिट है.
कहां पर मुझे ज्यादा अच्छा लेबर मिलेगा, क्वालिफाइड लेबर मिलेगा, कहां पे मुझे लैंड सस्ते में मिल रही है, कहां पे मुझे सब फैसिलिटीज ऑलरेडी डेवलप्ड है। ये सब डिसीजंस करना इज अ डे टू डे एक्टिविटी ऑफ एवरी बिजनेस ऑफ एवरी इकोनॉमी। क्वेश्चन ऑफ चॉइस अराइजेस बिकॉज आवर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट आर लिमिटेड एंड कैन बी एम्प्लॉयड इन ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो माइक्रोसॉफ्ट के पास पैसा लिमिटेड है, इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज लिमिटेड है, इट कैनॉट गो अराउंड ओपनिंग ऑफिसेज इन एंटायर वर्ल्ड। दे हैव टू सेलेक्ट कि बेस्ट जगह कौन सी है जहां पर लैंड भी सस्ता है, लेबर भी सस्ता है, एजुकेटेड है, कैपिटल ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा एंड मैनेजमेंट भी मुझे ठीक ठाक मिल जाएगा। दैट इज वाई दे सेलेक्ट कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, जहां पर सब कुछ बहुत कंड्यूसिव है, जहां पर सब कुछ बहुत फेवरेबल है। ऐसे ही करके आपको डिसीजन लेना होता है। एग्जाम्पल है जो मैं बोला वैसे ही टाइप का एक एग्जाम्पल है। डिसीजन मेकिंग इज नॉट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज आपका जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स। कब क्या हो जाए, इंडिया में सरकार बदल गई, वो सडनली बोलेगी कि माइक्रोसॉफ्ट चलो दुकान बंद करके चले जाओ, या फिर आपका बिजनेस ठप हो गया, आपने बड़ा बिल्डिंग बना लिया इंडिया में बट नाउ योर बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल, इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही, या आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल गई, बेटर ऑफर्स मिल गए, आपका बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। डिसीजन मेकिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस इतना डिफिकल्ट है। अपन एक शर्ट खरीदने जाते हैं तो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि रेड शर्ट खरीदूं या ब्लू शर्ट खरीदूं। सो इमेजिन द डिसीजंस ऑफ इकोनॉमी कितने कॉम्प्लेक्स होंगे, कितने डिफिकल्ट होंगे, एज सिंपल एज दैट। द प्रॉब्लम गेट्स एग्रीवेटेड बिकॉज डिसीजंस आर टू बी टेकन अंडर कंडीशंस ऑफ इम्परफेक्ट नॉलेज एंड अनसर्टेनिटी। अगर बाहर से कोई इन्वेस्टर इंडिया आ रहा है, वो चार रिपोर्ट्स पढ़ेगा, थोड़ी न्यूज देखेगा, थोड़ा समझेगा, थोड़ा लीडर से बात करेगा इंडिया के, एंड उस पर उसको डिसीजन लेना है। नाउ आई डोंट नो द फुल पिक्चर कि इंडिया में लोग कैसे रहेंगे, विल माय बिजनेस बी एबल टू अडॉप्ट टू इंडिया, क्या मेरा जो गोल है, मेरा जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट होंगे इंडिया में, क्या इंडिया आज ग्रो कर रहा है कल भी ग्रो करेगा, आई डोंट नो कल क्या हो जाए। माय नॉलेज अबाउट द कंट्री इज नॉट परफेक्ट एंड आई एम नॉट श्योर कि वो कंट्री की स्टेबिलिटी कैसी रहेगी। सिमिलरली फॉर एनी डिसीजन दैट यू टेक विच इज मेजर, यू आर टेकिंग इट amidst imperfect knowledge and a lot of uncertainty. When you go to a shop to buy a particular item, you don't know ki aur kahin sasta mil raha hai kya wo cheez, ho sakta hai kahin aap better negotiate karke aur sasta le lo, aap char jagah gaye ho, you have got the best price, ho sakta hai panchvi jagah usse bhi sasta hai, isliye decision making becomes very important, kyunki aapko apne resource ko best utilize karna hai, but you don't know कि whether you are using it in the best way or is there a better way to use it. That is why decision making is very difficult and the management needs to be equipped with proper methodology and appropriate tools and techniques which to a large extent is provided by economics. Business economics, also referred to as managerial economics, generally refers to the integration of economic theory with business practices. तो देखो आप economics अगर standalone देखते हो, it is nothing but theory. जो बहुत सारी चीजें हुई है आज तक, एक्सपीरियंस हुआ है, लोगों ने ऑब्जर्व किया है, देखा है मार्केट कैसे बनती है, उसके ऊपर थियरीज लिख दी, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड कंबाइन्स द थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स विद बिजनेस प्रैक्टिस, मेकिंग इट मच मोर वैल्यूएबल टू द यूजर या टू द बिजनेसमैन या टू एनीबडी टू द इकोनॉमी बेसिकली। व्हाइल द थियोरीज ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोवाइड द टूल्स विच एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट्स such as demand, supply, cost, price, competition, business economics applies these tools in the process of business decision making. Theory आपको अलग अलग चीज बताएगा, law of demand, law of supply, cost कैसे finalize करें, price कैसे आप finalize करते हो अपने product का, competition क्या है, theoretically आपको बताएगा। business economics उसको बताएगा how to use law of demand in your business, how to use law of supply to benefit your business, how to apply the best pricing policies for your business. That is what is business economics. Business economics has close connection with economic theory, micro as well as macro, operation, research, statistics, mathematics and थियरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटीग्रेटेड, सब सब्जेक्ट्स के साथ उसका रिश्ता है, इट इज नॉट स्टैंड अलोन वगैरह वगैरह वगैरह। डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एज पर जोएल डीन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द टर्म ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी। आप इकोनॉमिक को इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे हो अपनी बिजनेस पॉलिसीज को बनाने में। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स as it includes application of quantitative techniques such as linear programming, regression analysis, capital budgeting, break-even cost analysis. Basically,
It is not a theoretical economics, it is an applied economics, because you are applying the tools of business economics or the tools of associated subjects like mathematics and statistics in deriving the results which you want out of business economics. Clear hai dosto? Not at all complicated, very 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 simple. Ab aa jaiye bahut important topic, bahut important topic from a conceptual understanding point of view and from a future relevance point of view. Ye cheeze aapko acche se samajhna, acche se janna must hai. Economics. Economics is divided into two brackets या two buckets, microeconomics and macroeconomics. Basically हम सबको पता है, जो अगर 11th 12th में हमने पढ़ाई की है economics की, what is micro, what is macro. Microeconomics is the study of behavior of different individuals and organizations within an economic system. Basically a country is a macro. See, now macro and micro can differ, okay. अगर मैं एक कंट्री का एग्जांपल ले रहा हूं, तो द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज मैक्रो एंड द इंडस्ट्रीज विच आर ऑपरेटिंग इट इन इट आर माइक्रो. बट इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, वर्ल्ड इज मैक्रो एंड ईच कंट्री इज अ माइक्रो एलिमेंट, ईच कंट्री इज अ सिंगुलर यूनिट. यू हैव टू अंडरस्टैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स. एक एक आदमी को उठा के आप स्टडी करोगे एट अ माइन्यूट लेवल, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. Macroeconomics is overall study of the economy or the entire global economy or phenomena of economy as a whole. Microeconomics examines how individual units, consumers or firms make decisions. ठीक है, एक बार माइक्रो पढ़ लेते हैं फिर मैक्रो पढ़ेंगे. फोकस इज ऑन स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ यूनिट्स रादर देन ऑल द यूनिट्स कंबाइंड. आई एम गोइंग टू सी ईच इंडस्ट्री, ईच कंपनी, ईच इंडिविजुअल कैसा कंजम्पशन बिहेवियर, कैसा प्रोडक्शन बिहेवियर एक एक आदमी का या एक एक छोटे यूनिट का, विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ माई वाइडर इकोनॉमी विच इज मैक्रो इकोनॉमी. ठीक है, तो अगर इंडिया में 100 करोड़ का जीडीपी है, टोटल जीडीपी इन ईयर से 100 करोड़ रुपीस, तो उस 100 करोड़ का क्या क्या कॉम्पोनेंट है, एक एक कॉम्पोनेंट को मैं पढ़ूंगा, दैट इज माइक्रो. 100 करोड़ पुट टूगेदर इज मैक्रो. स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमेना और द इकोनॉमी एज अ होल. स्टडी द बिहेवियर ऑफ लार्ज economic aggregates such as overall levels of output, total consumption, total saving, total investment. Analyzes the overall economic environment. Simple hai. Micro matlab every single individual unit, macro matlab the entire economy as a whole. We mainly study the following in microeconomics: product pricing, consumer behavior, factor pricing, behavior of firms, location of industries. Chote chote cheeze, कैसा एक फर्म एक इंडस्ट्री में बिहेव कर रहा है, कहां एक इंडस्ट्री का लोकेशन है, क्या फैक्टर प्राइसिंग है, क्या कंज्यूमर बिहेवियर है, क्या प्रोडक्ट प्राइसिंग है, वो सब हम छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. मैक्रो में क्या पढ़ते हैं, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, सब बड़ी बड़ी चीजें, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब हम ओवरऑल लेवल पे मैक्रो में पढ़ रहे हैं. यही अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में बोल रहा हूं मैक्रो है, इफ आई एम स्टडिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इट बिकम्स माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स पुट टूगेदर फॉर्म्स द लार्जर मैक्रो इकोनॉमिक्स, एज सिंपल एज दैट. नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. अब हम जब समझ लिए हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू माइक्रो एंड मैक्रो, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी समझ लेते हैं. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. दोस्तों बहुत जरूरी है ये पॉइंट्स पढ़ना, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चंस 100% आने की संभावनाएं हैं. बहुत इजीली ट्रिक कर सकती है आपको इंस्टीट्यूट अगर चाहे तो. बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. साइंस क्यों है, इट इंटीग्रेट्स द टूल्स ऑफ डिसीजंस ऑफ साइंस सच एज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स विद इकोनॉमिक थियरी. तो इट इज नॉट ओनली थियरी, इट इज ऑल्सो गिविंग यू प्रैक्टिकलिटी. जो साइंस, साइंस क्या बोलता है, 1+1=2, दैट इज योर मैथमेटिक्स एंड दैट इज योर साइंस. दिस इज इक्वल टू दिस इज प्रूव्ड, दैट इज साइंस. उसमें इफ बट की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा है तो ऐसा ही है. 1+1 करोगे तो 2 ही होगा, दैट इज साइंस. एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ साइंस बिकॉज इट इज यूजिंग एप्लीकेशंस ऑफ साइंस सच एज मैथमेटिक्स, अपना स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, सब अलग अलग चीजें यूज कर रहा है, कंबाइनिंग इट विद इकोनॉमिक थियरी.
to give you a sound strategy, to give you a base in a strategy so that आपकी जो strategy है वो एकदम foolproof बन जाए. Based on microeconomics, business economics is concerned more with decision making of individual establishment and relies heavily on the techniques of microeconomics. Business economics is used basically by a manager, एक business के manager से, to help him or her run the business and ensure its long-term survival and profitable functioning of that particular organization. It is based on microeconomics. It is focusing on individual firms and individual business managers. Elements of macroeconomics जरूर है, क्यों? क्योंकि business manager को decision लेने के लिए they need to know what is happening in the overall economies, जैसे कि taxation, interest rates, exchange rate, industry prices, industry कैसा चल रहा है, GDP क्या है, national income क्या है, आपके इंडस्ट्री का स्कोप क्या है. थोड़ा बहुत मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जरूरी है. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट ऑल्सो, सो इट इज अ साइंस ऑल्सो, इट इज एन आर्ट ऑल्सो. आर्ट क्यों है? बिकॉज इट इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अटेनमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमन, इज बिजनेस, इज इकोनॉमिक्स अ साइंस और एन आर्ट? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड एन आर्ट. यूज ऑफ थियरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स will largely focus on theory of market and private enterprises, might not include public enterprises. क्यों? Public मतलब government run enterprises, because they generally run in a completely different manner. They are running for the best interest of the people and not majorly for profitability. इसलिए business economics revolves around or has private enterprise economy as its base. Pragmatic in approach. Pragmatic मतलब microeconomics is abstract and purely theoretical and analyzes economic phenomena under unrealistic assumptions. In contrast, business economics is pragmatic in its approach as it tackles practical problems. So pragmatic ka matlab yahi hota hai dosto ki thodi practicality hai uske andar. You are looking at things in a more practical manner, in a more realistic manner, which जो आपकी कंपनीज है, जो बिजनेस मैनेजर्स है, फेस इन रियल वर्ल्ड. थियरी में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, थियरी में तो मैं चांद को जाके भी वापस आ सकता हूँ, बट प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल? दैट इज बीइंग टोल्ड बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स. इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर. इंटरडिसिप्लिनरी मतलब काफी सारे अदर डिसिप्लिन से टूल्स लेता है, काफी सारे अदर डिसिप्लिन से इंस्पायर होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जैसे कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबसे इंस्पायर होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स. वेरी सिंपल. नॉर्मेटिव इन नेचर, ये भी याद रखना जरूरी है. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर. उसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक थियरी हैज डेवलप्ड अलोंग टू लाइंस, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. पॉजिटिव इज प्योर साइंस विच एनालाइजेस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये ऐसा होगा, अगर ये चीज हुई है तो वो इसलिए हुई है. डायरेक्ट कोरिलेशन साइंटिफिक मैटर्स में. एंड a positive approach states what is the state of affairs and not what it should be. आपको बता रहा है, हाँ भाई ये चीज ऐसी है, बस मुझे नहीं पता क्यों है, क्या होनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज ऐसी है, ये इसलिए ऐसी है. चांद ऊपर वहां पर है, ऊपर क्यों है? क्योंकि वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, बिग बैंग थियरी हुई थी, वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन इज इट द राइट पोजिशन? शुड इट बी देयर? Why should it be there? How much time should it be there? वो कोई नहीं बोलेगा आपको साइंस के अंदर. आपको सिर्फ फैक्ट्स बताएंगे, पॉजिटिव या फिर प्योर साइंस जिसे कहते हैं उसमें. लेकिन नॉर्मेटिव क्या है? नॉर्मेटिव आपको ये भी बताएगा कि वॉट शुड बी. हाँ अभी इंडिया की सिचुएशन ऐसी है, लेकिन कैसी होनी चाहिए थी? आइडियली वॉट इज द सिनारियो? आइडियली वेयर शुड यू बी रीचिंग? दैट इज टोल्ड बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स. एंड दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी प्रैक्टिकल कि आप कहां जा रहे हो, कैसे जा रहे हो वो आपको बता रहा है, क्यों जा रहे हो, कहां जाना चाहिए वो आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स साथ ही साथ वो भी बताएगा. दैट मीन्स इट इज कंप्लीटिंग द फुल पिक्चर. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर. स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ बिजनेस इश्यूज to which economic theories can be directly applied, namely microeconomics applied to operational and internal issues, macroeconomics applied to environment or external issues. Microeconomics applied to operational issues. Operational issues include all those issues that arise within the organization
एंड फॉल विद इन द परव्यू एंड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। रोजमर्रा की जिंदगी में एक कंपनी के अंदर जो ऑपरेशनल इश्यूज आती है वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की परव्यू में आती है। इश्यूज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ बिजनेस, इट्स साइज, प्रोडक्ट डिसीजन, टेक्नोलॉजी, फैक्टर कॉम्बिनेशन, जो छोटी छोटी रोज की चीजें हैं, मेरा बिजनेस कैसे रन हो, मेरी साइज कितनी हो, मेरा प्रोडक्ट डिसीजंस कैसा हो, टेक्नोलॉजी कैसा हो, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो, सेल्स प्रमोशन क्या हो, वो सब सब माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज डील विथ मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज। कैसे? डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। डिमांड एनालिसिस क्या है? आई एम एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट्स। फोरकास्टिंग क्या है? उस एनालिसिस के बेसिस पे आई एम अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, आई एम अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर नेचर एंड उसका क्या पास्ट बिहेवियर था एंड उसके हिसाब से मेरी डिमांड कैसे चेंज होगी वो मैं फोरकास्ट कर रहा हूं इन डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। प्रोडक्शन थियरी एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। प्रोडक्शन एनालिसिस एनेबल्स द फर्म टू डिसाइड ऑन द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। कॉस्ट एनालिसिस एनेबल्स द फर्म टू रिकॉग्नाइज द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। प्रोडक्शन बोल रहा है कि कैसे मैं अपना रिलेशनशिप बनाऊं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कैसे मैं इनपुट को यूटिलाइज करूं आउटपुट निकालने के लिए, कैसे रॉ मटेरियल में एफिशिएंटली यूटिलाइज करूं विद द टेक्नोलॉजी टू गेट एन आउटपुट। बट कॉस्ट एनालिसिस इज टेलिंग द फर्म टू रिकॉग्नाइज द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, कैसे आपके आउटपुट के हिसाब से कॉस्ट चेंज होते रहेगा, कैसे जो टाइम है, अगर आप किसी चीज को फास्ट प्रोड्यूस करते हो तो आपका कॉस्ट कम लगेगा, अगर आप उसी चीज को ज्यादा टाइम लेते हो, स्लो प्रोसेस करते हो तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा, अगर आप आउटपुट बढ़ाते रहते हो तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो प्रोपोर्शनली डिवाइड होके पर कॉस्ट पर यूनिट कम होते रहेगा। दैट इज व्हाट इज टोल्ड बाय योर कॉस्ट एनालिसिस। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज बेसिकली आप अपना इन्वेंट्री कैसे मैनेज करो। इन्वेंट्री यानी कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। यू हैव टू एंश्योर कि आप ज्यादा इन्वेंट्री नहीं रख लो कि आपको स्टोरेज हेडेक हो जाए, वो खराब हो जाए इन्वेंट्री, ना ही इतनी कम इन्वेंट्री रखो कि जब आपको सेल्स ऑर्डर आए आपके पास इन्वेंट्री ही नहीं हो प्रोडक्ट क्विकली बनाने के लिए। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो हेल्प्स यू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट इन विच यू आर फंक्शनिंग एंड क्या प्राइसिंग पॉलिसीज आपको रखनी है इन रेस्पेक्ट या विथ रेस्पेक्ट टू द फर्म्स दैट यू हैव टू फेस योर कॉम्पिटिशन विथ। रिसोर्स एलोकेशन। कैसे बिजनेस को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एडवांस टूल्स सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग, कैसे आप बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लो अपना जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। हर एक बिजनेस जो कोई डिसीजन लेता है कि एक बिजनेस बोल रहा है कि मुझे दूसरा बिजनेस एक्वायर करना है या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है या ये प्रोडक्ट बनाना है, इट इज डन आफ्टर थरो रिसर्च एंड एनालिसिस। अगर मैं फ्री सीए क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आई हैव ऑल्सो एलोकेटेड माई लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या है मेरा लिमिटेड रिसोर्स? टाइम एंड मनी, बिकॉज आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू बट आई एम गिविंग माई टाइम टू यू विच इज वैल्यूएबल बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं अपना रिसोर्स एलोकेशन इस बेसिस पे किया हूं कि चलो यूट्यूब में थोड़े लोग फॉलो करेंगे, किसी को हेल्प करेगा, सो आई एम डूइंग माय रिसोर्स एलोकेशन बेस्ड ऑन व्हाट इज माय गोल और व्हाट डू आई वांट टू अचीव कि लेट द सीए कम्युनिटी बी बेनिफिटेड। आई एम जस्ट गिविंग अ सिंपल वेग एग्जांपल। हर एक आदमी जो अपना काम कर रहा है, अगर आप अपना टाइम सीए को दे रहे हो, यू हैव एलोकेटेड योर वैल्यूएबल टाइम टू दिस कोर्स। इस टाइम में आप एमबीए कर सकते थे, सीएस कर सकते थे, सीडब्ल्यूए कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बट यू हैव डिसाइडेड टू एलोकेट इट टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स फॉर सम रीजन। आपने कुछ एनालिसिस किया है। थियरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आपको इन योर बिजनेस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करना पड़ेगा एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत सेंसिबली आपको अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सेंसिबली आपको उसको यूज करना पड़ेगा एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी मदद करेगा उस डिसीजन को लेने में। प्रॉफिट एनालिसिस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। प्रॉफिट एनालिसिस यानी कि हाउ प्रॉफिटेबल कैन योर बिजनेस बी एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस यानी कि कितना आपको रिस्क लेना है, कितना मार्केट में रिस्क जनरली लेते हैं, कितनी अनसर्टेनिटी है, उससे क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या थ्रेट्स आ सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, बेसिकली इट इज दैट। माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स
फैक्टर्स रिलेट टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, या फिर और कोई टाइप ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी है, मोनोपोली है, क्या है, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल कहाँ है, ग्रोथ में है, ग्रोथ में है, रिसेशन में है, डिप्रेशन में है, या किस कौन से फेज में है आपका जो बिजनेस साइकिल है, जनरल ट्रेंड्स ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, सेविंग, ओवरऑल ऊपर ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको बिग पिक्चर दिखाता है कि भाई ये आपका टोटल फ्रेमवर्क है, इसमें आपको अपना बिजनेस चलाना है, कैसे आपकी इकोनॉमी चल रही है, कैसे आपका फाइनेंशियल सेक्टर चल रहा है, कैसे आपकी जो सोसाइटी है वो कैसा वर्क करती है, क्या ट्रेड यूनियंस है, क्या प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यूनियंस है, कौन कितना स्ट्रांग है, हाउ स्ट्रांग इज योर ट्रेड यूनियन, हाउ स्ट्रांग इज योर कंज्यूमर बेस, हाउ स्ट्रांग इज योर प्रोड्यूसर बेस, कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज फंक्शन कर रही है, विच काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल इज द बेस्ट सूटेड फॉर योर पर्टिकुलर कंट्री या योर पर्टिकुलर इकोनॉमी, आपका सोशल एनवायरमेंट कैसा है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट कैसा है, ये सब आपको माइक्रो इकोनॉमिक रिलेटेड फैक्टर्स दिमाग में रखने रहते हैं जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, बिकॉज यू कैनॉट स्टार्ट अ बिजनेस विच इज नॉट गोइंग टू रन इन दैट कंट्री एंड यू नो इट इन द फेस ऑफ इट. अभी साउथ इंडिया में मैं अगर आके स्वेटर का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, कौन खरीदेगा स्वेटर, यहाँ कभी सर्दी पड़ती ही नहीं है, इट इज नॉनसेंस, इट इज यूजलेस. यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योग्राफीज, डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री हैज, एंड उसमें आप कैसा उसको अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हो, कैसा प्रोडक्ट को मैनेज करते हो. सिमिलरली सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट, डिफरेंट सोसाइटीज, अभी कई कई सोसाइटी में जैसे इफ यू गो टू सम कंट्रीज देर आर सम थिंग्स विच आर बैंड, यू कैनॉट एट ऑल सेल दोस थिंग्स ओवर देयर, ऑब्वियसली देन व्हाई विल यू गो एंड सेल ओवर देयर. आपको पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स समझना होगा, कंट्री कैसे चलती है. बिजनेस डिसीजंस कैनॉट बी टेकन विदाउट कंसिडरिंग दीज प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनवायरमेंटल फैक्टर्स. As the management of the firm has no control over these factors, it should fine-tune its policies to minimize their adverse effects. Decision, main kuch bhi loon, it is not going to be 100% certain, 100% accurate nahin ho sakta. But, jitne bhi factors affect kar rahe hain, I have to ensure ki these factors are kept in mind, these factors are thought about, these factors are well discussed, All the risks are taken into consideration and उसी के बाद मैं कोई भी business decision लूँ. This is your first chapter. उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों, first unit of first chapter. उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया तो please नीचे like कर दीजिए, नीचे comment करके बता दीजिए कि sir very helpful, तो मैं encourage होऊंगा और classes आपके लिए बनाने के लिए for free of cost. अगर ये material आपको चाहिए, I have already told you freetutor.ca@gmail.com पे मुझे मैसेज कीजिए, मेल कीजिए एंड 50 रुपीज पर चैप्टर मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दे दूंगा. सेकेंडली मेरा एक और टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, प्लीज वहां पर भी ज्वाइन कीजिए. ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वहां पे सीए इंटर सीए फाइनल के, जो काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करते हैं. आप भी ज्वाइन कीजिए, आप भी डिस्कस कीजिए, इट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन. दोस्तों इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आई एम हियर टू मेक इट इवन मोर इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू वेरी सून अगेन.